आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। था ताजगंज दिगनेर नहर किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। ऐसा बताया गया है कि शव ऑटो से फेंका गया है। मृतक ग्वालियर रोड मुबारकपुर स्थित रतन दीप ढाबे पर काम करता था। थाना ताजगंज दिगनेर रोहता नहर किनारे बजेरा में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुछ ही देर में सीओ सदर और SPCD भी पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव के पास एक आधार कार्ड भी मिला है जिस पर मृतक का नाम बुलाटी दास के 62 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल लिखा हुआ है। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी 10:30 बजे के आसपास कि एक रोहता नहर चौकी एकता नगर में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है नहर के किनारे, और आकर उस पर तत्काल पुलिस ने उसे बॉडी को उठाया, उसके पास PM के लिए भेज दिया। जहरीला चोट कोई नहीं, उसके पास एक ID मिली है और उस ID पे ओम प्रकाश अग्रवाल नाम लिखा है। व्यक्ति की शनाख्त हुई है ओम प्रकाश अग्रवाल के नाम से, जो कि मुबारकपुर इरादत नगर थाने का रहने वाला है। वहाँ थाने से भी पता कर लिया, लेकिन अभी तक उसका पता तस्दीक नहीं हो पाया है और आसपास के गांव से लोगों से पता किया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि वो किस मृत्यु का कारण क्या है। कोई जहरीला चोट नहीं है, PM के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से मृत्यु हुई है, और उम्र लगभग 62 साल से ज़्यादा की है। नहीं, हो सकता चलते गिर भी सकता है आदमी, फेंकना हम नहीं कह सकते। फेंकना होता तो नहर के अंदर डाल के जाता, सड़क के किनारे गिरा हुआ, तो ये भी हो सकता है चलते चलते चक्कर आकर गिर गया हो, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। आफ्टर PM ही पता चल पाएगा काउज ऑफ डेथ क्या है। जानकारी पर पता चला कि ऑटो में लाकर कुछ लोग सबको फेंक कर गए हैं। आधार कार्ड पर ओम प्रकाश अग्रवाल का पता थाना इरादत नगर ग्वालियर रोड मुबारकपुर लिखा है। जानकारी करने पर पता चला कि ओम प्रकाश ग्वालियर रोड मुबारकपुर स्थित रतनदीप ढाबे पर काम करता था। 19 सितंबर को बीमारी की बात कहकर ढाबे से चला गया था। ढाबा संचालक को घर के पते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब्जी वोजी बना वो कहे सब्जी भोजी बना हाँ। कब कल सो गई माने की मैं छुट्टी जा रहा हूँ 2-3 दिन की, चलेगा हर महीना जाते हैं, हर महीना 2-3 साल है इनमें, हर महीना जाते हो कहाँ रहते हैं गाना है अपने, 3 दिन पीछे 4 दिन पीछे आ जाते फिर अपने काम पे आ जाते। मैंने पूछा जी करते जो तुम्हें पते से क्या करना, मैं तुम्हारे यहाँ कोई गलत काम कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो जे मैं तुम्हारे यहाँ कुछ काम बढ़िया कर रहा हूँ, मैं हर महीना छुट्टी जाता हूँ, हर महीना तुम्हारे यहाँ जाता हूँ, पता ना बताऊँ। अब सवाल ये उठता है आखिर वे कौन लोग थे जो ऑटो में शव को फेंक के गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये रास्ता नहर किनारे ग्वालियर रोड रोहता नहर से शुरू होता है, उसके बाद दिगनेर चौराया आता है और आगे जाके शमशाबाद रोड दिगनेर वाला जो मोड़ है उस तरफ ये रास्ता जाता है, और ठीक यहाँ पर इस स्थान पर आप देख सकते हैं ये वो स्थान है। इसी स्थान पर एक गूलर का पेड़ लगा है, गूलर के पेड़ के पास एक बॉडी मिलती है। ऐसा बताया गया है कि कुछ लोग ऑटो में आते हैं और बॉडी को यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल नाम की ID मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बॉडी को ऑटो में लाकर यहाँ पर फेंका। देखना होगा कि कब तक पुलिस इस मामले से पर्दा उठाती है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, CNews आगरा।